जो सरकार दूसरों पे आरोप लगाती थी कि जात के आधार पे काम हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए, क्या मुख्यमंत्री के जाति के लोग नहीं बैठे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग अन्याय नहीं कर रहे? और ये जाति का चश्मा हटाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही लगातार उनका पतन, उनकी पार्टी का पतन लगातार होता रहेगा। और ये पहली घटना नहीं है जहां पर पुलिस को आत्महत्या करनी पड़ रही है। कई सूचनाएं प्रदेश से आ रही हैं, जगह जगह से, जहां पर पुलिस के लोगों को दबाव में काम करना पड़ रहा है और दबाव के कारण उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। दुख है इस बात का कि जिसने पढ़ाई कर करके, मेहनत कर करके और परीक्षा पास कर करके नौकरी पाई हो, और नौकरी इसलिए पाई कि वो जनता की सेवा करना चाहती थी, लेकिन किन परिस्थितियों में उसे आत्महत्या करनी पड़ गई। और जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो लोकल जानकारियां मिली हैं, वो यही है कि कहीं ना कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर था। और जो सरकार दूसरों पे आरोप लगाती थी कि जात के आधार पे काम हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए, क्या मुख्यमंत्री के जाति के लोग नहीं बैठे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग अन्याय नहीं कर रहे? और जिस जिले में ये घटना हुई है, उस जिले में ऊपर से नीचे पुलिस कप्तान कौन है? क्या मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? उस थाने में जो अभी पोस्टिंग पाकर के आए, क्या वो मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? तो जो लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने द्वारा देख लें, मुख्यमंत्री की खुद जाति के लोग बैठ करके अन्याय कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के चिंतन में जाति से आगे अभी भी कुछ नहीं जाता है। बार बार गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर की जाति बचा करके वो अपमानित करने का प्रयास करते हैं। लगता है कि चुनाव परिणाम से शायद उन्होंने कोई सबक सीखा नहीं, और आज स्वयं वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग घटनाओं के बाद कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जहां उनको अपना सजातीय कोई दिखाई पड़ता है, वहां तुरंत लाश पर रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव जी को अपनी राजनीति के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे और ये जाति का चश्मा हटाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही लगातार उनका पतन, उनकी पार्टी का पतन लगातार होता रहेगा।